मिसबाउल हक और वकार यूनस कोचिंग के ओहदेदारों से दस्तबरदार। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रजाक न्यूजीलैंड सीरीज में बहसियत अबूरी कोचेस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मिसबाउल हक और वकार यूनस को सितंबर 2019 में कौमी क्रिकेट का बिलतरतीब हेड कोच और बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। जमैका में करंटीना के दौरान अपने 24 माह का जायजा लिया। हेड कोच मिसबाउल हक का ये कहना है, जानता हूँ ये आइडियल वक्त नहीं, मगर फिलहाल ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं कि आइंदा चैलेंजेस से निबर्दाज़मा हो सकूं। मिसबाउल हक की जानिब से ये बताया गया है। मिसबाउल हक और वकार यूनस कोचिंग के ओहदों से दस्तबरदार हो गए। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रजाक न्यूजीलैंड सीरीज में बहसियत अबूरी कोचेस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क मोहम्मद अहमद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अहमद रजा, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, पीसीबी में जिस तरह बड़ी तब्दीली और नामजद किए गए हैं रमीज राजा एज ए चेयरमैन पीसीबी, तो उनके साथ ही तब्दीलियों का एक बड़ा जो ना वो जकड़ चल चुका है और इसके अंदर टीम में भी तब्दीलियां हुई हैं। उसके साथ साथ टीम मैनेजमेंट के अंदर तब्दीली हुई है और मिसबाउल हक जो कि हेड कोच थे और 2019 से उनके साथ वकार यूनस भी बॉलिंग कोच थे, वो दोनों जो है अपने ओहदों से दस्तबरदार हो गए हैं और उनकी जगह पर सकलैन मुश्ताक जो के दूसरा के मुजद थे और उनके साथ ऑलराउंडर अब्दुल रजाक, उनको जो है अबूरी तौर पर कोचिंग की जिम्मेदारी दे दी गई है, जो के होम सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, उनमें जो है अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। हालांकि इसके बारे में तब्दीलियां कोचिंग के स्टाफ के अंदर, टीम मैनेजमेंट के अंदर तब्दीलियों का कोई जो ख्याल नहीं जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अचानक से ये फैसला किया गया है। जी मोहम्मद अहमद रजा, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।